ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अब इधर अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी क्लासेज में हम एक टॉपिक जो पीछे छूट गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव रिमेंबर देन विद इन द मंथ ऑफ मार्च वी वर स्टडी अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं सारे सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट से क्या था विद इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आपको मालूम होगा एक दो तरह से लेकर चलते थे तो एक तरह का एडवाइस था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसमें हम लोग क्या करते थे एंडोक्राइनोलॉजी को स्टडी करते थे एंडोक्राइनोलॉजी और दूसरा जो था इट इज द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग क्या किया इसको नर्वस बोल देते हैं इसको नर्वस बोल देते हैं। तो अभी क्या है बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है इसको लेकर ठीक है बेस इसके लिए हमें जो इसमें मिला हुआ है शेड्यूल उसके ये लाइट नहीं है नहीं सर लाइट से ओके तो यहां पे है कि इसमें हमें जो नर्वस सिस्टम है उसको लेके चलना है एंड एज पर द शेड्यूल वी हैव गिवन थ्री लेक्चर्स फॉर दैट ठीक। तो तीन लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी तरफ से क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी बचेगा और छोटे मोटे टॉपिक्स में जो बचेंगे उनको कभी मौका मिलेगा तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड टू द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यस चलिए फिलहाल यस इसमें जो है तीन है तो इसमें हम क्या करेंगे पहले दिन बेसिक नर्स के बारे में चलेंगे ओके दूसरे दिन में हम लोग डिटेल में लेकर चलेंगे ऑर्गन राइट और तीसरे दिन में जो ऑर्गन्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो अब तक आप पढ़ चुके हैं उसके बेस पर हम हमेशा लेते हैं कि फिजियोलॉजी में जितने भी टिश्यूज आते हैं एनिमल्स के केस में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ओरिजिन के बारे में ठीक है ना। सिंपल सी चीज है नर्वस टिश्यू है सेंसिटिव है सेंसरी नेचर का है इसीलिए क्या होगा दीज आर एक्टोडर्मल ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन। यस अब इसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां जहां है आपके एपिडर्मल टिश्यू है सब क्या है आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। हम अपने गट के बारे में बात करते हैं तो गट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट यानी एनस हुआ वहां रेक्टम से पहले तक का जो एरिया है और पर बकल कैविटी की बात करें तो आपका जो फैरिंग्स है उससे पहले का जो एरिया है सारा सारा जिसका एक्टोडर्म का वो रहता है और आप वैसे भी समझ पा रहे हो कि हम लोग जो महसूस कर पा रहे हैं इस चीज़ को बकल कैविटी में है या फिर एनल एरिया में है मतलब जहाँ जहाँ सेंसरी सेल्स हैं जहाँ जहाँ नर्वस सेल्स हैं वहाँ वहाँ क्या रहेगा एक्टोडर्मल ओरिजिन करेगा ऐसा मान के चलते ठीक है। दूसरी बात अब बेसिकली जो नर्व्स है ये दो चीज़ें मिलकर के बना हुआ है एक तो है नर्व सेल्स और दूसरी जो होती है इसकी सपोर्टिंग सेल्स है या जिनको हम कहते हैं न्यूरोमीडिया सेल्स ओके न्यूरोमीडिया सेल्स या इसकी सपोर्टिंग सेल्स फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैंने बताया एक्टोडर्मल है और नर्वस टिश्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आपने अगर इफ यू रिमेंबर अबाउट द सेल डिवीजन मैं आपको बताया था कि तीन तरह के हम टिश्यू मार्ग में चलते हैं एक तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एब्रिकियम का डिवीजन रहती है वो हमेशा डिवाइड कर करते हैं हमारे मेडल का टिश्यू को ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो जरूरत पड़ती है तब वो जाकर के डिवाइड करते हैं जैसे हम दया के पॉकेट्स वगैरह हमारे जो रहता है इंटरनल। तीसरा ऐसे जो एक बार बन गए उसके बाद कभी डिवाइड नहीं करते इस कैटेगरी में बताया था नर्वस टिश्यू क्या हुआ कि वंस फॉर्म देन नेवर डिवाइड इसके बाद में डिवीजन नहीं होगा इनके अंदर एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन नहीं है। पूछा भी जाता है कि क्यों नहीं है तो सीधी सी बात आप ये लेके चलेंगे कि डिवीजन होगा क्योंकि सोमेटिक सेल्स है लॉजिक है सोमेटिक सेल्स है तो डिवीजन करने के लिए उन आपको क्या डिवीजन होगा माइटोसिस होगा माइटोसिस है इसमें क्या हुआ इनके अंदर नो सेंट्रियोल यस इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होंगे इस वजह से क्या होगा इसकी वजह से नो माइटोसिस इसीलिए कोई
माइटोसिस नहीं होगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है क्या होगा, नर्व सेल्स जो कि कोई भी सेल है उसकी लाइफ है, चाहे वो इंजरी की वजह से खराब हो रही हो, चाहे वो एज द कोर्स ऑफ द टाइम खराब हो रही हो, मेमोरी लॉस होने लगती है, चीजों को भूलने लगते हैं, या इस तरह की चीजें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। यस, वो इसीलिए नई सेल जो है वो बनने रही है, पुरानी जो है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती है। क्लियर है? चलिए और अगर चीजें हम डिटेल में बात नहीं करें इस बारे में, भूलने के बहुत सारे कारण होते हैं। फिलहाल लेकर चल देते हैं नर्व सेल्स। अब अगर हम बात करें कि हमारे नर्वस सिस्टम है इसके अंदर 1/3 सेल जो होती है वो कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है, या जिनकी बेसिक यूनिट है हम क्या कहते हैं, इट इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है, और जबकि न्यूरोग्लिया सेल्स है ये कुल मिलाकर के 2/3 पोर्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू बनता है, सपोर्टिंग सेल्स। क्लियर है? चलिए अब और पॉइंट्स फटाफट हम लोग मेजर पॉइंट्स की कोशिश करेंगे कवर करने की, एक्स्ट्रा चीजों के लिए अभी टाइम नहीं है। फिलहाल यस, दूसरा मेजर चीज लेके चलते हैं नर्वस टिश्यू के लिए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने बी फॉर बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, कि हमारे बॉडी की सबसे लंबी सेल एनिमल सेल के अंदर कुछ भी है तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, या आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। फ्रांस की बात जो है वो अलग है, आपको मालूम है वो फाइबर्स होते हैं, स्क्वायर फाइबर्स वगैरह जूट वगैरह के, अदरवाइज एनिमल से किस अगर हम लॉन्गेस्ट सेल चलते हैं तो दैट इज द नर्व न्यूरॉन, लार्जेस्ट आपका एग वगैरह डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया कि इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ले लेते हैं। तो आपने कहा कि इसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो आपका ये स्ट्रक्चर है, एक इसका सेल बॉडी है, उसके बाद में क्या है इसका ये न्यूरॉन है, और लास्ट में बोलते हैं यहाँ आपने कहा ये क्या है, इसको हम लोग कह देते हैं इसका हेड या फिर इसका ये साइटोप्लाज्म, या इसको हम लोग सेल बॉडी कह देते हैं, या इसको सेल बॉडी कह देते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेके चलें, ये बेसिकली साइटोन है, और यहाँ पर क्या होगा इसके रिसेप्टर्स होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, इन्हें नॉर्मली डेंड्रॉन्स बोल देते हैं, सिंगुलर डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन यस, यानी ये क्या है, ये सिंगुलर है, और या इसको हम लोग डेंड्राइट कह देते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रही वो ये रही कि यहां पर इनको एक नाम देते हैं, दीज आर द अफरेंट, अफरेंट मतलब यह है कि मैसेजेस को ब्रिंग कर रही है सराउंडिंग से, मैसेजेस को लेकर के आ रही है, सीधी सीधा साइटोन में ला रही है, यहां इसका प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में इसको आगे की तरफ भेजेंगे, वो अलग बात नहीं। मेरा कहना मतलब इनको हम लोग अफरेंट नर्व्स लोग कहते हैं। दूसरी तरफ यहां ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है तो सेल के अंदर जो होता है वो इसके अंदर भी होगा, क्या होगा ये न्यूक्लियस होगा इसका, न्यूक्लियस। ओके, यहां बात करें इसके चारों तरफ क्या हुआ, ये सब स्ट्रक्चर है जो आपको रिलेट कर रहा। चलिए यहां हम लोग बात कर रहे थे कि एक जो है इसका क्या होगा, ये एक्सॉन पार्ट होगा, तो एक्सॉन जो है एक्सॉन, और इसको हम लोग इसका इफरेंट पार्ट कह देंगे, इफरेंट। ओके, अच्छा, अब जरूरी बात, तो मैंने बोला कि ये इफरेंट है, ये इसका अफरेंट होगा, मतलब ये मैसेज को ब्रिंग करेगा और ये इससे अवे ले जाएगा। अब यहां हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर क्या होगा, कवरिंग सेल होगी अल्टीमेटली, जैसे नॉर्मली एनिमल सेल की चादर जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर उसको प्लाज्मा लेमा कह देते हैं, ऐसे करके यहां होगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड एज एक्सॉन, इंपॉर्टेंट एक्सॉन।
अब ये हिलॉक जो है यहां पर क्या होगा, नॉर्मली इंपल्स जनरेशन, यहां पर भी नई इंपल्स जो है वो नर्व इंपल्स जनरेट होती है। क्लियर है? दूसरा, इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स पड़े होंगे, कोई साइंटिस्ट है जिसने इनको डिस्कवर किया, उनका नाम मिसल था। मिसल ग्रैनुल्स कहते हैं, क्या होते हैं इनको, दे आर कॉल्ड मिसल्स ग्रैनुल्स। बेसिकली क्या है ये, एक तरह से एंड क्या नाम उसका, वो दीज आर द पीसेस ऑफ राइबोसोम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इनका जो काम है वो किससे है, प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब है। आगे लेके चलते हैं, बाकी ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होती। नीचे आएगा, ये आप देख रहे हैं एक्सोम, बस इसको लेकर क्या आएगा, मैं आपको बात करते हैं यहाँ पर। तो ड्यूरी इसके अंदर जो मटेरियल है, जैसे सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो इसके अंदर हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है ना। अब ये एक्सोप्लाज्म है, तो यहाँ हम चीज की बात करेंगे। अब ध्यान, इसके चारों तरफ जैसे मैं बात करते हैं सपोर्टिंग सेल्स जो है, न्यूक्लियर सेल्स है, इसी का एक एग्जाम्पल है, दीज आर कॉल्ड स्वान सेल्स। स्वान, तो ये जो है स्वान सेल्स की कवरिंग इसके चारों तरफ होगी। ये कोई मान लो एक स्वान सेल है, ये दूसरी स्वान सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां भी बात की है, ये भी है, ये भी स्वान सेल है। ओके, एंड सो ऑन, इस तरह की कवरिंग इसके चारों तरफ होगी। बेसिकली ये क्या है, स्वान सेल्स, दीज आर द न्यूक्लियस सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। सो मैंने बताया दीज आर द स्वान। ओके, अच्छा, यहां आप देख रहे हैं कि इन पे क्या है, स्वान सेल्स जो होगी ये नॉर्मली लिपिड का सीक्रेशन करती है, और जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड है। तो स्वान सेल्स क्या होगी, एक फॉस्फो लिपिड का सीक्रेशन करेंगे, जिसको हम लोग का नाम लेते हैं स्फिंक्टर लिपिड। ओके, ये जो स्टिग्मा लिपिड है, ये नॉर्मली क्या होगा, इट विल फॉर्म द माइलाइन शीथ। क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म माइलाइन शीथ। क्लियर है ना? तो मैं तीन चीज बताया कि नॉर्मली जो स्वान सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, फॉस्फोलिपिड का, एग्जाम्पल के तौर पर स्टिग्मोलिपिड बताया। ओके, एंड दिस लिपिड विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलाइन शीथ। अल्टीमेटली क्या होगा, इसके चारों तरफ एक स्पेशल शीट मिलेगी आपको। ओके, तो इस शीट को क्या नाम दे दिया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड माइलाइन शीथ। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, ओके ओके, ये आपने बताया माइलाइन शीथ। कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये शीट नहीं है, तो बेसिकली कई जगह पर जहां पर शीट नहीं है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवेयर। ओके, नोड्स ऑफ रेनवेयर कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद में यहां नीचे बात करते हैं, अल्टीमेटली कितना भी लंबा एग्जाम हो सकता है, एग्जाम के लास्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे वो जो होगा, That is called nerve ending. इसको normally क्या कहते हैं? It is called nerve ending. Yes. बाकी last में यहाँ पर क्या होंगे? Synaptic lobes होंगे, जिन्हें हम लोग buttons बोल देते हैं, जो भी नाम दीजिएगा, these are the buttons. या nodes. ये तो clear है? Nerve ending. सो अब जरूरी जो चीज है वो मैंने बताया कि लास्ट में सिनेप्टिक लोब्स हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें, तो मैंने अभी जैसे बताया यहां पर, ये स्फिग्नोमायलिन, स्फिग्नोलिपिड कर दीजिए इसको, या स्फिग्नोमायलिन कर दीजिएगा, उसका इंफॉर्मेशन यहां पर हो रहा था, स्फिग्नोमायलिन।
फॉस्फोमाइलिन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब होगा क्या कि नॉर्मली ये सिग्नोमाइलिन का जो सिक्रीशन है ये कहां होगा, so I was telling you कि in case of the nervous system, particularly आपको एक चीज और पढ़ेंगे आगे, ये nervous system जो है तीन तरह का होता है। normally हम उसको divide करते हैं central nervous system, basically मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, it is CNS, ANS, no sorry PNS, हमारा जो नर्वस सिस्टम है सिस्टम ओके इसको मैंने बताया नॉर्मली तीन तरह का होता है, जिसमें हम लोग इसको एक जिसको बोलते हैं सीएनएस, दूसरा जिसको कहते हैं पीएनएस और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं एएनएस। क्लियर? अब सीएनएस जिसके अंदर हम लोग दो मेजर चीज लेके चलेंगे, जो आपको बॉडी का जो सेंट्रल है इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पीएनएस जो है इससे नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो सीएनएस से जुड़ेगा ऑर्गन्स को, यानी कि नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस सीधी बात। तो नॉर्मली सीएनएस से जो भी नर्व्स निकल करके आ रही है ऑर्गन्स के लिए वो कहाँ जाएंगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसका मतलब इसके अंदर दो तरह के नर्व्स हैं, एक जिनको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्पिन का भी, जिनको क्रेनियल कह देते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल ओके क्रेनियल नर्व्स यस, और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। कल बताएंगे उनके बारे में डिटेल में, अभी तो शॉर्ट में समझिएगा। अच्छा, तीसरा जो मैं बात कर रहा था ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हुआ, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, स्वायत्त है, अपनी मर्जी से कंट्रोल होगा, यानी इसका सीएनएस और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता, ये सीएनएस से कंट्रोल नहीं होगा। यस, चलिए दूसरा मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि जो न्यूक्लियर सेल्स हैं मैं भी आपको बात कर रहा था कि जो स्वान सेल्स हैं इन केस ऑफ सीएनएस ये सीक्रेट करेंगे ओलिगो ओलिगो सिग्नोलिपिड्स ओलिगो क्रिस्टलिन यहां पर जो होती है वी आर कॉल्ड ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। जबकि मैंने बताया पीएनएस केस में यहां क्या होगा, ये मायोलिन शीथ जो है दैट इज फॉर्म बाय द सिग्नो मायोलिन ओके इस तरह होगा। नॉर्मल पूछा जाता है सिंपली आपको कुछ भी यहां पर क्लियर। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं यहां पे एक चीज और आपको बता रहा हूं, निसर्स ग्लैंड्यूल जो है basically these are rough endoplasmic reticulum ये pieces हैं, ऐसा मान लीजिए चलिए ओके। अगर आप rough endoplasmic reticulum मान लिया तो आपको मालूम है आरईआर जो है इसका function जो है वो क्या है, protein synthesis से related है। so the Lissa's granules are the pieces of rough endoplasmic reticulum into the exoplasm of the cell, nerve cell। function जो होगा इसका वो protein synthesis से related। अच्छा, मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट यहाँ नहीं बचा हुआ है। हाँ, एक पॉइंट और, जैसा बताया जहाँ नर्व एंडिंग्स होती हैं, जहाँ पर नर्व्स खत्म हो रही हैं,
वहां पे इसको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल आर्बोराइजेशन। इसे क्या हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टर्मिनल टर्मिनल लास्ट आर्बोराइजेशन। आर्बो मतलब क्या है, आर ओ आई जे ओके, सो इट इज कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स और लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ जैसे मैं अभी आपको बताया कि न्यूरॉन्स हैं, कई तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द एक्सॉन्स, ठीक है ना। एक्सॉन्स के बेस पर जो इनका नंबर है उसके आधार पर मैंने कई बार डिवाइड कर देंगे कि कितने एग्जॉन्स इसमें से निकल होने चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, एनिमल्स के केस में एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई भी सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ, शुरुआत कहां से होगी। यस, भले ही एज अ सिस्टम हो, चाहे वो यूनिट के फॉर्म में हो रहा हो, चाहे सिंगल सेल के फॉर्म में हो रहा हो, ठीक है। सो हियर इन दिस केस ऑफ द नर्वस सिस्टम, आपने कहा कि इनिशियली जो फाइलम था एनिमल किंगडम का कौन सा था, प्रोलिफेरा। वैसे प्रोटिस्टा लेके चलेंगे, लेकिन मल्टीसेलुलर अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख देते हैं तो इसको कहां से शुरू करेंगे, इसको हम लोग शुरू करेंगे यस ब्रिटियन से, निमेटोड से, आई एम सॉरी सिलेंट्रेट से। तो आप क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ द सिलेंट्रेट्स, आज मौसम की वजह से सारे मार्कर काम नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइड्रा, ओके हाइड्रा कह दीजिए इसको, या आप बात कीजिएगा सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स, ओके। यहां पर मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप का इसका शुरुआत होगी, और केवल नर्व सेल ओनली, ठीक है। अगर अगर भी नर्व सेल है, सेंसिटिव रहेगी, समझेगी उस चीजों को, तो उसका मतलब क्या होगा, ये कैसे होगी, इसको हम लोग एक पोलर नाम देते हैं, यानी इसके अंदर कोई एग्जॉन्स नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद में अगले ग्रुप पर बात करें थे, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगला आपने देखा कि इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप जो रहता है सिलिकेट के बाद में, अब बात करते हैं प्लेटी हेमेंटिस। तो क्या हुआ, प्लेटी हेमेंटिस के अंदर, प्लेटी हेमेंटिस, यहां पर आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ द टेप फॉर्म, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, यहां पर क्या नर्व्स के ग्रुप मिलकर के गैंग्लियन बना लिए छोटे छोटे, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, सिंपल गैंग्लियोन्स फॉर्मेशन, ठीक है ना, दैट इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। न्यूरॉन्स के ग्रुप मिलकर के क्या बना लिए, गैंग्लियोन्स बना लिए, कहां शुरू होगा, प्लेटेलेट्स, ठीक है। पूछा था गैंग्लियोन कहां बन जाते हैं, तो इनिशियली मैं बताया सिंपल सेल की फॉर्म में, कहां, हाइड्रा में, या फिर आपको सिलेंट्रेट दे रखा हो, आंसर होगा। दूसरा मैंने बताया प्लेटी हेमेंटिस में, यहाँ पर ये इस फॉर्म में हो गया। तीसरा आप जैसे बात करेंगे कि नॉर्मली सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, सिस्टम हमारा निमेटोड से शुरू होता है, ठीक है ना, निमेटोड से, या फिर आप बात कीजिए एसके हेमेंटिस जो है वहां से शुरू होता है सिस्टम बनना, और यहाँ पर जो है इनिशियल सिस्टम रहेगा, ऑर्गन लेवल है। प्लेटी हेमेंटिस में अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें, तो आपने बताया कि इनिशियली प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा की बात करते हैं तब लोग सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया, उसके बाद में टिश्यू ग्रेड बताया सिलिकेट्स में, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में ऑर्गन ग्रेड बना, कहाँ पर, प्लेटी हेमेंटिस में। ऑर्गन सिस्टम जो बनेगा तो सीधी बात उसको कोरिलेट कर लीजिएगा कि नर्वस सिस्टम जो शुरुआत होगी वो आप एसके हेमेंटिस से कह सकते हैं, या फिर आप निमेटोड से कह सकते हैं, या तो क्लियर है। चलिए आगे, तो मैं अभी आपको जो बता रहा था वो ये था कि हम नर्व्स को कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक आपने कहा एपोलर, एपोलर इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सेल होगी, एस एन मैं ऊपर बताया ना आपको सिलेंट्रेट। दूसरा हमने कहा कि यूनिपोलर, यूनिपोलर भी माने एक, तो इसका मतलब आपने क्या बताया, यूनिपोलर जो होगी विद सिंगल एग्जॉन, इसके अंदर एक एग्जॉन है, जिसमें आपको सामने बनाया है यूनिपोलर बोर्ड है, क्या नाम है, एग्जॉन, सॉरी न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, मोस्टली इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये
ये क्या करेगा, परसिस करेगा, कैसे इसको इकट्ठा करेगा, यहां भी अपना बंधन करेगा, फिर इससे क्या होगा, दूसरी तरफ जुड़ी हुई है, दूसरा ही नर्व का यहां पर बात करें, इसका एक्सोन होगा, वो होगा साइटोन, उसके बाद इसका एक्सोन, फिर उसके बाद साइटोन, फिर एक्सोन, इस तरह से कंटिन्यू जुड़ कर चलता रहेगा। ये क्या हुआ, यूनिपोलर। अब यूनिपोलर केस में एक बात और भी कह सकते हैं आप लोग कि यहां पर यूनि डायरेक्शनल है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है नॉर्मल मैसेज का, मैसेज यहां से बनना हुआ और आगे का पास हुआ, ठीक है। तीसरा लेवल चलते हैं, दैट इज द बाइपोलर। बाइपोलर अब नाम से उत्तर लग रहा है, तो सिर्फ की बात जो है यहां पर आपको बताया कि इसके दोनों का एग्जाम्स होगा, यानी कि टू एग्जाम्स, दो एग्जाम्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह की जो स्ट्रक्चर मिलती है, मिलती कहां पर है, तो आप बात करेंगे कि हमारी आई के अंदर जो रेटिना है, रेटिना के अंदर, रेटिना ऑफ आई, इसके अंदर जो सेल्स होती है कैसे होती है, बाइपोलर नेचर में होती है। काफी ज्यादा पूछा गया है, इसीलिए आप चाहे उसको नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट लेवल चलते हैं, एक और आता है इसमें सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर तो इसका मतलब क्या हुआ, लगेगा जैसे कि उसमें एक पोलैरिटी आ रही है, यानी एक एक्सोन होगा, अदरवाइज वो होगा नहीं, तो ये ऑलमोस्ट ए सेलुलर जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, मैं आप बताता हूं, इट इज सूडो यूनिपोलर। ओके, इसका भी एग्जांपल लेकर चलेंगे, आप बात करेंगे कि नर्व ऑफ, मैं अभी क्या ले देता हूं, समझ लीजिए उसको, इट इज द डोर्सल रूट गैंग्लियन। स्ट्रक्चर में अगर बात करो तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, जो आप उसकी सेक्शन काटते हैं, क्या नाम है उसका, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको क्या है उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके बाद जब आप रिटर्न सेक्शन पढ़ते होंगे तो इसके दो हॉर्न आते होंगे, दो सर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, तो नॉर्मली यहां पर आते हैं, यहां पर सर है, दैट इज द, इसमें कैसे होगी, सोडो यूनिपोलर में चलती आपका एग्जांपल होगा। अच्छा, दूसरा मैं बात कर रहा था कि जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ जो सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स जिनको मैंने न्यूरोग्लिया नाम दिया, या इनको ग्लिया सेल्स भी कह सकते हैं, इनको हम लोग ग्लिया भी कह सकते हैं, ग्लिया या न्यूरोग्लिया सेल्स। इसका एक एग्जांपल तो मैंने बताया अभी आपको, स्वान सेल्स। दूसरा यहाँ लेके चलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स है जो मैंने बताया टू थर्ड पोर्शन बनाकर चलती है, लगभग 50-70% के आसपास यही होती है नर्वस टिश्यू में। यहां इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। ये अपने प्रॉपर्ली ऊपर सुनता है एग्जांपल से, तो यहां इसमें होता है दीज आर इसके एग्जांपल्स, दीज आर एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। ओके, जो इसमें क्या होगा, ये इसके नरिशमेंट से रिलेटेड होगी, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगी। So the astrocytes are the nutritional support to the ये जो है nutrition to neuron, neuron, okay। दूसरा इसे example लेकर चले, तो इसमें एक और example लेकर चलेगा तो जिन्हें हम कहते हैं microglia, and microglia जो है these are the phagocytic or the scavenger cells, yes। इसका मतलब ये हुआ जो वेस्ट है, वेस्ट क्लियरेंस का नाम ये करेगी, जो भी उसमें फैगोसाइट किचन रहेगी और जो वेस्ट इकट्ठा हुआ आप उसे बराबर कर देंगे, ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर। तीसरा लेके चलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है इनके ऊपर माइलाइन शीट होगी, यस, और ये कहाँ मिलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैंने बताया कि दूसरी जो होती है, एक मैंने बताया ओलिगोडेंड्रो, अभी बोलो साइट्स, ये कहाँ मिलेगी, इन केस ऑफ सीएनएस, और दूसरी जो होती है रिलेटेड विद द माइलाइन शीट, जिनके ऊपर माइलाइन शीट का कवरिंग मिलेगा, जिन्हें हम लोग न्यूरो हम लोग स्वान सेल्स को एक नाम और देते हैं, न्यूरो लैंगोसाइट या स्वान सेल्स,
ये जो होगी ये कहां मिलेगी पीएनएस वास्तव में मैंने बताया कि न्यूरोबिया के जो एग्जांपल्स के तौर पर हम बात करते हैं एक तो बताया एस्ट्रोसाइट्स होती है जो नॉर्मली नरिश करने का काम करती है न्यूरॉन को दूसरी तरफ बताया माइक्रोग्लिया सेल्स होती है जो फैगोसाइटिक नेचर की रहती है यानी कोई स्केलेटल नेचर की रहती है जो वेस्ट सेल्स को कंज्यूम करते रहती है तीसरा मैंने बताया यहां पर जो सेल्स होंगी वो या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स टाइप की होंगी ओलिगोडेंड्रोसाइट कहां मिलेगी सीएनएस में मिलेंगी अभी मैंने बताया था जो शीट का कवरिंग के रिसर्च में बात कर रहा था और दूसरा बात करते हैं इनको न्यूरी न्यूरोलेमासाइट या जिसको मैं अभी नाम दिया था ये स्वान सेल्स ये हो सकती है और स्वान सेल्स जो है दे आर फाउंड इन किस द पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस में भी ये क्या करेंगे ये स्पिग्नोमायलिन का सिक्रीशन करेंगे दे विल इसके अलावा कोई खास पॉइंट नहीं बचा हुआ होगा यस अच्छा अब सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल नेक्स्ट एक चलते हैं मैंने थोड़ा सा नोट कर लिया होगा आपने इंपल्स का जो ट्रांसफर होता है काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जो मैं मेजर पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें से आपके इसके दो क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे ठीक है ना मैं अभी यहां जो लेकर के चल रहे हैं इसको हटा देते हैं आपस कुछ स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम्स को पूछ रहे हैं और नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो मैसेज ठीक है ना प्रॉब्लम पढ़ते रहिएगा जब आपके पास है पढ़ना तो है पढ़ने के साथ में ज्यादा जरूरी चीज ये रहती है कि आप उसकी प्रॉब्लम जितनी करते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स के पूछे आते हैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज चेंज होती है वो आपको समझ में आता है ठीक है ना तो हमें अभी यहाँ पर लेके चलना है दैट इज अबाउट द जनरेशन ऑफ इम्पल्स बताया कि नर्व इंपल्स अच्छा अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बताया आपको मैं एक्सोन की स्ट्रक्चर लेकर चलता हूँ क्योंकि आपको इतना बताया दो चीज कि ये जो है जनरेट होगी कहाँ होगी एट एग्जाम लॉक होगी ओके देन ट्रांसमिशन जो होगा वो द एग्जाम होगा एग्जाम एग्जाम के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा ये यहाँ जो बनता है सिनेप्स तक पहुंच जाएगा सिनेप्टिक नर्व्स के थ्रू सिनेप्स ओके यहाँ से क्या होगा फिर अगले साइटोन में जाएगा अगले साइटोन से क्या होगा फिर ये अगले एग्जाम में ठीक है इस तरह से आगे ट्रांसफर करता रहेगा मैसेज पास करता है ओके यहां लेके चलते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है ज्यादा अदरवाइज वो उलझ जाएंगे इतना टाइम भी आपके पास नहीं होगा फिलहाल मैंने बताया कि जो एग्जाम है यही जो आपका बताया कि यूज करते हैं ये आपका सेल है ओके इसमें ये एग्जाम पार्ट है इस एग्जाम पार्ट का ऐसे करके स्ट्रक्चर लेते हैं यहां बताया कि ये क्या है इसकी दो दीवार है मेम्ब्रेन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या होगा वही लिपिड बैरियर होगी कौन सी बात है सीरम लिपिड बैरियर होगी अच्छा इसके अलावा क्या होती है आपने सिंगल इंडिकल्स का मॉडल पढ़ा हुआ है
अलग अलग तरह की इसमें प्रोटीन्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगी, प्रोटीन्स होगी कुछ, आप बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोटीन होगी कुछ, इस तरह की बात कर सकते हैं, ओके। और कुछ प्रोटीन जो होती है इस तरह से होगी जो पार्टली इंपेडेंट होगी, ओके। तो मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि इसके अंदर जो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, दे आर एबल टू ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। सो एक चीज तो मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, एक्सोलेमा, ये क्या है, ये एक्सोलेमा है, ओके। इसके अंदर हम बताया क्या होगा, लिपिड बाइलेयर, ओके। एंड क्या होगा इसमें, प्रोटीन्स होंगे। आप जरूरी बात, इसमें जो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स, ओके, ये दीज आर एबल टू ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट। यहां पर क्या होगा, ये मटेरियल को अंदर और बाहर लाने के लिए सक्षम है, ठीक है। अब इस चीज देख चलते हैं, तो मैंने क्या बताया, ये आयंस को इन एंड आउट करने के लिए सक्षम है। अब इसके लिए इसके पास तीन टेक्निक्स होती हैं, एक थ्रू द लीवी चैनल्स, लीवी चैनल्स, हाँ। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ आप तो बात करेंगे, इसे आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यस, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होंगे, सोडियम आयन, रिचनेस होगी इनकी और क्लोराइड आयन ज्यादा होंगे, क्लियर है। दूसरा मैंने बात किया कि इसका जो अंदर का मटेरियल है जिसको आपने एक्सोप्लाज्म कहा, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयन की अधिकता ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा, बाहर क्या होगा, ईसीएफ में हमेशा सोडियम आयन ज्यादा होंगे, क्लोराइड में हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा जो मतलब है वो सोडियम से ज्यादा है, तो सोडियम आयन ईसीएफ में ज्यादा होंगे, जबकि इनर सेलुलर मटेरियल जो है ये एक्सोप्लाज्म जो है वहां पर क्या होंगे, पोटेशियम आयन की रिचनेस होगी, अधिकता होगी। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, जनरली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, ओके, ओके। ईसीएफ में सोडियम और यहाँ पर पोटेशियम रहा। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर लीकी चैनल्स वाली बात में, तो लीकी चैनल जो है एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये चैनल्स पहली चीज तो ये रहेगा कि दे आर ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहेंगे, नंबर एक खुले रहेंगे, तो कंसंट्रेशन के बेस पर, यानी जहां पर ज्यादा है जो चीज, मैं बता रहा हूँ यहाँ पोटेशियम ज्यादा है तो ये क्या होगा, इनसे बाहर निकलते रहेंगे, सोडियम बाहर जाना है तो ब्रीदिंग को अंदर आते रहेंगे, डिफ्यूजन का रोल है। अच्छा तो इस हाई से कहां लो कंसंट्रेशन पर आयन ट्रांसफर होते रहेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था कि यहाँ पर डिफ्यूजन अपने आप होना है, जो चीज ज्यादा है वहां से कम की तरफ आएगा, तो एनर्जी खर्च होगी नहीं, इसका मतलब ये भी कैसा है, दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, कोई एनर्जी यहाँ पर खर्च नहीं होगी। दूसरा मैं बात कर रहा था जिन हम लोग कहते हैं वोल्टेड गेटेड चैनल्स, वीजीसी। अब मैं जो बात कर रहा हूं दूसरे जिन हम लोग कहेंगे वोल्टेड गेटेड चैनल्स, सो वीजीसी, या इनको हम लोग कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, इसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द वोल्टेज चाहिए, है ना, यानी इतना अमाउंट मिलेगा वोल्टेज का, जो भी सब्जेक्ट से मैं बताऊं कैसे रहता है, तो अल्टीमेटली उतने पर ही खुलेगा, अगर उससे कम हो जाएगा तो उसे बंद हो जाएगा, जैसे हम चाहे सोडियम के बारे में बात करें, चाहे पोटेशियम के बारे में बात करें, यस, जैसे मैं कहता हूं अभी दो तरह के चैनल हो सकते हैं, एक तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरा होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ओके। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है इट विल ओपन एट -70, सी ना, -70 पर खुल जाएगा, -70 मिली वोल्ट से होगा, मतलब है इस पर क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा, ओके, और जब ये +30 पर पहुंच जाएगा तो ये +30 मिली वोल्ट, तो यहां पर क्या होगा, ये
क्लोज हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम वाला जो होता है ये लगभग उल्टा होगा, जैसे ये प्लस 30 मिलीवोल्ट पर ओपन हो जाएगा, यस, और जाकर के ये माइनस में 90 पर जाकर के बंद हो जाएगा, ठीक है, माइनस में गुड, ये माइनस 90 मिलीवोल्ट पर ये क्या होगा बंद हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो वोल्टेज चाहिए, इतना वोल्टेज मिल जाएगा तो अपने आप ही वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, तो क्लियर है ना। एक तरह से ये भी क्या है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्लियर हो ना। तो मैंने बताया एक तो थ्रू अल्टरनेटिव चैनल्स, दूसरा बताया वोल्टेज डिटेक्टर चैनल्स, और तीसरी जो टेक्निक है जिसे हम लोग कहते हैं पंप, ओके, नॉर्मली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड पंप, यस। तो नाम से पता लग रहा है ये क्या होगा, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव जो है ये कंज्यूम 180 का चलेगा, वो कितनी करेगा वाला बात, क्या समझ गए। अब पंप है तो ये भी अल्टीमेटली क्या होगा, इसे नाम देते हैं, इसलिए रिलेटेड है सोडियम और पोटेशियम से, इसीलिए इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम समस्या है नहीं, समस्या नहीं आएगी। जब उल्टा करना होगा, यहाँ पहले से पोटेशियम कम है तो अल्टीमेटली इसको फिर वापस भेज रहे हैं तो उस समय पंप काम करेगा, या उल्टा बात करें सोडियम यहाँ कम है ऑलरेडी और इसको वापस ईसीएफ पे भेजना है उस समय पंप काम करेगा, क्लियर है ना। तो इसको मैंने बताया सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सोडियम आयन को कहां से ले जाएगा, फ्रॉम एक्सो से, कहां लाएगा, ईसीएफ में वापस लाएगा, ऐसे ही है ना। अब जरूरी बात कि यहां पर तीन सोडियम बाहर जाएंगे और ये पंप उसके बदले में क्या करेगा, दो पोटेशियम आयन, दो ये पोटेशियम आयन इनको क्या करेगा, ईसीएफ में से वापस अंदर लाएगा, कहां, एक्सोप्लाज्म में, ऐसे तो है। अल्टीमेटली समझ लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम को बाहर ले जा रहा है, तो बाहर है तो इसका मतलब एग्जिट हो रहा है इसका, तो हम लोग कहेंगे इसको इट इज ई फ्लक्स, ई फ्लक्स जो है ऑफ सोडियम, कहां से कहां जा रहा है आप समझिए, पोटेशियम को वापस अंदर ला रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज इनफ्लक्स, डबल इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, कहां, फ्रॉम ईसीएफ टू एक्सोप्लाज्म, यहां तक क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, ओके। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि नॉर्मल वे में क्या रहता है कि लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों पैसिव वे में काम करते हैं, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। यहां पर यह तरफ बताया कि तीसरा जो होता है जिसे हम लोग पंप बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें क्या है, एनर्जी खर्च करनी है, एटीपी को कंज्यूम करना है, इसीलिए क्या है एक्टिव प्रोसेस है। एक स्टेप में अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होगा कि तीन सोडियम को एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ में भेजेगा, बदले में दो पोटेशियम को ईसीएफ से अंदर लाएगा एक्सोप्लाज्म में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अल्टीमेटली इसमें क्या होगा सिंगल एक स्टेप में सिंगल एटीपी कंज्यूम हो जाएगी, मतलब वही है एटीपी में कन्वर्ट हो गई है, एक एटीपी का खर्च हुआ है, क्लियर है ना। अच्छा तो ये प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है, ओके। तो मैंने जैसे बताया आपको कि यहां पर
ये सारी बातें हम लोग कर ही चुके हैं। एक एटीपी कंज्यूम होगी, जैसे जैसे चार्जेस बदलते रहेंगे इंपल्स जनरेट होगी और आगे की तरफ आगे पास करते रहेंगे, यानी कि इसका क्या होगा, ट्रांसमिशन होता रहेगा। कैसे जनरेट होगी, कैसे ट्रांसमिशन होगा, इसे हम लोग वोल्टेज के थ्रू समझते हैं। नॉर्मली यहां पर आपने एक डायग्राम देखा होगा, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हम यहां पर इधर की तरफ क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज इन मिलीवोल्ट, इन मिलीवोल्ट, और दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं इंपल्स का कंडक्शन ले लेते हैं, है ना। यहां पर क्या लेंगे, इंपल्स, इंपल्स। अच्छा, बस इसको मैं थोड़ा छोटा कर लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, नॉर्मल एक लेके चलना है हमें यहाँ पर रेडियस -70 मिलीवोल्ट, ओके -70 मिलीवोल्ट, जहां से जो है इंपल्स जनरेट शुरू होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कोई भी इंपल्स जो है वो यहां पर आकर के ठहरी हुई रुकी हुई, इसे क्या बोल दिया मैंने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना होगा पूछा जाता है, इट इज -70। ओके, यहां पर क्या होगा कि इसे हम लोग पोलराइजेशन स्टेट में बोल देते हैं, या पोलराइजेशन स्टेट, पोलराइजेशन स्टेट। अब जैसे मैं बता रहा था कि आयंस का एक्सचेंज होना शुरू होता है, उस कंडीशन में ये बढ़ करके कहां है, अब जैसे जैसे इसके अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ते रहेंगे तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ आती रहेगी, सोडियम आयंस बढ़ते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि सोडियम ग्रेटेड चैनल्स खुले हुए हैं, इस कंडीशन में क्या है, सोडियम ग्रेटेड चैनल्स खुले हुए हैं, कब से होगा लगता है ना, कब से खुलते हैं, -70 से, तो सोडियम आयन अंदर आने शुरू हो गए, ऐसे ही है ना, सोडियम आयन अंदर आएंगे क्या होगा, इधर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, एक्सोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या घटते घटते -70 से -60, -60 से -50 या जो आएगा, यहां पर एक रेंज आती है जिसमें कहते हैं -55 मिलीवोल्ट, क्लियर है ना। -55 मिलीवोल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ व्हाट, एट दिस स्टेज यहां पर इंपल्स जनरेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, यस। इसे हम लोग बोलते हैं अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का कोई स्टिमुलस मिलता है तो यहां पर क्या होगा, इंपल्स जनरेट होगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पर इंपल्स जनरेट, एक तरह से स्टिमुलस है। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, ये आयंस का एक्सचेंज फिर भी जारी रहा, सोडियम आयन फिर भी अंदर आते रहे, अल्टीमेटली क्या होगा, ये घटता रहेगा घटता रहेगा, फिर अल्टीमेटली मैंने बताया कि कहां गए, जीरो पर आ गए। ओके, जीरो से बढ़ता बढ़ता ये कहां पहुंच गया, इसको जीरो को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यहां ये जीरो पर आ गया, जीरो के बाद में क्या होने लगा, पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ओके, पॉजिटिव में चला गया, पॉजिटिव में पॉजिटिव 10 प्लस 20 प्लस 30, अल्टीमेटली मान लो यहां पर कहां पहुंच गया, 30 पर पहुंच गया। ठीक है, ये कहां पहुंच गया, ये प्लस 30 मिली वोल्ट पर पहुंच गया। ठीक है, तो प्लस 30 मिली वोल्ट जो है इसको, इस प्रोसेस को जहां पर ये जो पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड स्टेट पर आ रहा है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, इट इज डीपोलराइजेशन, क्लियर है ना। अब यहां पहुंचते ही डीपोलराइजेशन किस लिए हुआ था, ड्यू टू सोडियम VGC, यहां पर सोडियम वोल्टेड चैनल्स खुले हुए थे इसलिए डीपोलराइज्ड स्टेट हो गया। कहां पहुंचा, -30 मिलीवोल्ट पर, ये डीपोलराइज्ड स्टेट हो गया, इससे नॉर्मली नीचे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा,
कारण यह है कि इस स्टेज पर आने के बाद में सोडियम वाले नाम पर वापस आ जाते हैं। मैंने बताया था कि प्लस 30 पर ये क्लोज हो गए सोडियम वाले, ऐसे ही है ना, और इससे क्लोज होते ही क्या वो पोटेशियम वाले खुल गए, तो क्या है पोटेशियम वाला प्लस 30 मिलीवोल्ट आते ही ओपन हो गया, इसीलिए इसके ऊपर होते क्या होगा अब ये ज्यादा शो हो जाएंगे अंदर से बाहर की तरफ, चार्जेस जो है चेंज होने शुरू हो गए, अब पॉजिटिव से नीचे नेगेटिव की तरफ आने लगा, सी है आपने बताया अभी कि माइनस 90 का क्या रहता है ये पोटेशियम बीटी से खुले रहते हैं, ओके इस कंडीशन को मैंने बोला ये पोलराइजेशन स्टेट, ये दूसरी रीपोलराइजेशन स्टेट, और तीसरी वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो गई रीपोलराइजेशन स्टेट है रीपोलराइजेशन 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 जो होगा वो किसकी वजह से होगा ड्यू टू द पोटेशियम वोल्टेड गेटेड चैनल्स की वजह से, क्या क्लियर है ना, ये किसकी वजह से होगा सोडियम वोल्टेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से, क्लियर। अब जरा एक चीज देखिएगा ये कहां पर 90 पे जाकर के बंद होंगे, क्लियर है ना, तो मैंने बताया कहां तक पहुंचा 90 तक पहुंचा, अच्छा इंपल्स का जो मतलब था हमारा क्या हुआ, यानी कि ये उस स्टेज तक पहुंच गया जहां पर कोई इंपल्स मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि नॉर्मली 55 से नीचे अगर हो जाएगा यानी प्लस माइनस की तरफ तो कोई चार्ज रिसीव नहीं करेगा, इससे ऊपर अगर कोई रिसीव करेगा पर्टिकुलर पॉइंट है माइनस 55 मिलीवोल्ट का जहां पर कोई इंपल्स जनरेट हो सकती है, इतने का स्टिमुलस मिलेगा तो ठीक है, अगर एक से कम या ज्यादा का हो तो नहीं बस, और एक नाम और सुनते होंगे इसको हम कहते हैं ऑल और नन, या तो इतने पर जनरेट हो जाएगा इससे कम मिलेगा वो नहीं होगा, इससे ज्यादा मिलेगा तो वो नहीं होगा, क्लियर है ना, आगे चलते हैं। तो मैंने बताया कि ये इंपल्स जो जनरेट हुई इससे लिमिट से नीचे चला गया, क्या होगा फिर ये वापस वापस के लिए आप इसको लौटाने के लिए क्या करना है, लौटाने के लिए करना है कि ये जो लीकी चैनल्स थे ये तो हमेशा खुले रहते हैं ना, लीकी चैनल्स के थ्रू क्या होगा कि जब ये मैंने बात कर रहा था यहां पर ये वापस लौट करके कहां आएगा धीरे धीरे ये अपनी स्टेज पर पहुंच गया, अभी कहां आ गया मैं अगर बात करूं वापस वही -70 पर आ गया, ऐसे होगा ठीक है -70 के आते क्या होगा, यहां ही फ्लॉट भी यहां पर सोडियम गेटेड चैनल्स जो है वो फिर से खुल गए माइनस पे, ओके फिर क्या होगा इसके बाद में फिर वही सोडियम के बढ़ते बढ़ते क्या होगा इंपल्स यहां पहुंचेगी एंड सो ऑन चलता रहेगा आगे इंपल्स, तो ये क्या हुआ इस पर एक इंपल्स जनरेट हो गया इस तरह से, या तो क्लियर है ना, लेबलिंग समझ लीजिएगा मैंने बताया ये क्या है इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं या इसको हम लोग पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं, ओके आगे बात करते हैं इसके बाद में सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए तो अल्टीमेटली क्या सोडियम का अंदर आता रहा और फिर क्या रहा अल्टीमेटली 55 पर आकर के यहां पर इतने स्टिमुलस पर कोई पल्स जनरेट हुई इंपल्स जनरेट, अब धीरे धीरे डीपोलराइजेशन होता रहा, डीपोलराइजेशन कहां तक हुआ प्लस 30 तक सोडियम अंदर आ रहे थे लेकिन उसके बाद में सोडियम चैनल बंद हो गए पोटेशियम चैनल खुल गए, इस स्टेज पर क्या हुआ वापस ये इसका डीपोलराइजेशन शुरू हो गया, तो पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, तीसरा स्टेप रीपोलराइजेशन, यस इसको हम लोग हाइपर रीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं, क्या है हाइपर रीपोलराइजेशन जो आपका 70 से भी नीचे चला गया जाने, यहां पर ध्यान दीजिए इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं यहां से नीचे आ जाए क्योंकि ये -55 से नीचे चला गया है इससे लेकर के यहां तक ये पूरा स्टेज ऐसा रहा जहां पर कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रही है, ऐसे क्यों है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, ओके इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्लियर। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड इसको भी दो मिनट
तक मान लो 1% हो भी सकती है, लेकिन यहां तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, ये और ये। यहां क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माइनस में चला गया। ओके, यहां तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जबकि यहां पर जो है इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कह देते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्लियर है? ओके, अच्छा, ओके ठीक। इसको मैं बताता हूं आपको, ये हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक इस कंडीशन को हमने कहा इट इज हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर है ना? जरूर से ज्यादा नहीं। इस तरह से यहां पर क्या हुआ? ये इंपल्स जनरेट हुआ। क्लियर है ना? इस तरह से क्या हुआ? मेरा मतलब ये हुआ कि यहां क्या हुआ, चार्जेस जो है ट्रांसफर होते रहते हैं प्लस से माइनस की ओर, और इंपल्स आगे की तरफ जनरेट होगी। मेरी बात क्लियर होगी ना? यस। तो हमने अब तक ये समझा, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा समझ लेना, मतलब इसमें जो ट्रांसमिशन ज्यादा बनेंगे, एक बार इसको समझ लेंगे तो शायद उसको प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाए। और क्या रहेगा भाई इसको? हाँ, माइनस 75 करके इसको लोग थ्रेशोल्ड बोल देते हैं। ओके, हिंदी में बोलते हैं दहलीज, शुरुआत जहां से हो, दहलीज, ठीक है ना? कोई भी इंपल्स की जो शुरुआत है, एंट्री जो है, वो कहां से होगी? इस पे होगी, किसी ने इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोल दिया। क्लियर है ना? और मैं समझता हूं कोई इसके अलावा कोई चीज रह चुकी होगी। अभी तक हमने ये समझा कि एक एग्जॉन के अंदर इंपल्स कैसे जा रही है। अब आप कहेंगे समस्या कहां पर है? भाई एक एग्जॉन है, यहां कोई समस्या नहीं है। यस, एक एग्जॉन यहां पर जनरेट हुई है, लॉग में प्रोसेस हो रहा था जनरेट होने का, कहां पर है? ओके, एग्जॉन में ट्रांसफर हो गई। अब बात आती है कि भाई यहां पर क्या होगा? अभी तो बैरियर है। क्लियर है ना? यहां जो होता है, इस जगह पर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉर्म। ओके, सिनेप्स, सिनेप्स जहां पर कि दो न्यूरॉन्स जुड़ेंगे, ऑब्वियसली जहां पर एक तरफ के बटन्स होंगे और दूसरी तरफ के क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। एक नर्व एंडिंग्स होंगी ऊपर वाले न्यूरॉन की, और नीचे वाले क्या होगी, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्रोन सिंगल डेंड्रोन होंगे। तो ये डेंड्राइट, इसका डेंड्रोन और इसका नर्व एंडिंग दोनों मिलकर के ये जो जंक्शन बनेगा, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज सिनेप्स। चलिए वापस मैं हटा दूं सर। ओके, ये वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछ ले जाते हैं। मेरा मानना यह है कि हाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ोगे ना तो बात हो जाएगा। जो जरूरी पॉइंट्स अभी को समझ लीजिएगा, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद उसको क्रॉस क्वेश्चन से कुछ भी आप उठा रहा है। अब हम लोग लेकर चलते हैं अबाउट द सिनेप्स। तो मैं बात कर रहा था कि जो सिनेप्स एक स्ट्रक्चर बन गई, इसको ऐसा लेके चले कि ये एक नर्व है जिसकी ये एंडिंग्स है, इसके लास्ट में ये क्या है, ये इसकी बटन्स है। ओके, ये इसका मेम्ब्रेन है। ओके, इसके ऊपर आपको मालूम होता है कि न्यूरॉन जमा चली रहती है। ओके, दूसरा यहां लेकर चले, ये दूसरा वाला जो डेंड्राइट्स होगा उससे होता है डेंड्रोन जो होगा उसका मटेरियल है। ओके, अब जो ये न्यूरिनेमा है ये क्या होगा, इस तरह से इसके ऊपर कवर बन जाएगी। आप लोग पहले जो बनाते हो ना बोन्स पढ़ते होंगे, जॉइंट्स, जॉइंट्स में स्नो पढ़ते हैं, स्नो क्या बताए, जो ये आपका जो बन जाता है स्नो भी, जहाँ पर दो बोन्स जुड़ती हैं वो भी लगभग ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं बताया कि सिंपल सी बात है, इट इज नर्व एंडिंग ऑफ, मैं इसको आप चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं, नर्व एंडिंग ऑफ ए न्यूरॉन। ए का मतलब पहला वाला, कोई भी नाम दे दिया इसको, ये जो है रिसीव करने वाला है नेक्स्ट, इट इज डेंड्रॉन ऑफ
नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे जो है इन दोनों के बीच का ये जंक्शन है। अब ये जो स्ट्रक्चर इसको मैं सिनेप्स नाम दे दिया, ये जो खांच बनी हुई है क्या है, ये नॉर्मली इसकी वही न्यूरिलेमा है, न्यूरिलेमा ओके। अब ये क्या हुआ, इसके बीच में क्रिस्ट बन गई, खांच बन गई, इससे हम लोग क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट, क्लियर है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्री सिनेप्टिक क्लिफ्ट मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसको क्या कहते हैं, इट इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहां जो होगी इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक, कोई खास बात नहीं है, मेम्ब्रेन ओके। अब जब ध्यान देना है बेसिकली यहां से बस यहां तक आ रहा था, होगा क्या कि यहां पर बहुत सारी वेसिकल्स होती है, क्लियर है ना। अब दो चीजें कर चलती है, इन वेसिकल दिस वेसिकल्स आर रिच इन कैल्शियम आयन, कैल्शियम रिच वेसिकल्स, क्लियर है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा जब हम नर्व की थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो हर्जलेन क्या नाम था उसका, हर्जलेन हर्जले वाली जो थ्योरी थी स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी, वहां पे हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन और ट्रोपोबायोसिन प्रोटीन वाला जो स्टोरी थी, जिसमें बताया था आपको ये अल्टीमेटली क्या कैल्शियम आयंस आते हैं, कैल्शियम आयंस के आते ही जो है सर कंफर्मेशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, और स्लाइडिंग ऑफ मूवमेंट हो जाता है, स्लाइडिंग ऑफ मसल फाइबर हो जाता है, क्लियर है ना। उसी से रिलेटेड आप इसको थोड़ी देर सीखिएगा कि नॉर्मली आपको ध्यान आ रहा होगा ये कहां से आते हैं कैल्शियम आते हैं इसी में साइड देखते हैं सिनेप्स, क्लियर है ना। बेसिकली यहां से क्या होगा, ये ईसीएम से इसमें वेसिकल्स में और अल्टीमेटली आगे पहुंचता है ओके। तो जब मैं वैसे यहां तक पहुंच गया तो क्या हुआ, ये वेसिकल्स बढ़ जाएंगे, इन वेसिकल्स के अंदर हम लोग बात करें जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स यस, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप बात करते हैं एसिटाइल कोलाइन, नाम सुना होगा आपने एसिटाइल कोलाइन ओके, या कुछ और, ये ट्रांसमीटर्स होते हैं यहां से रिलीज हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि आपके ये वेसिकल्स हैं ये कहां फटे, ये प्रीवियस में यानी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर फटे, क्लियर है। दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है यहां पर इसके लिए क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे करेंगे, तो वो ये पूछता है कि रिसेप्टर्स क्या होंगे, रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रिसेप्टिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसीव कर लेंगे, उसके बाद में क्या हुआ नेक्स्ट आगे तक पास कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ इस तरह से इंपल्स का ट्रांसफर हो जाएगा ओके। अब इससे रिलेटेड ये बेसिक कांसेप्ट है, इससे रिलेटेड जो आगे का स्टोरी बनती है उसको मैं और देख लेते हैं, जो पॉइंट्स बन जाते हैं ओके। ये रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन सब हो गया था उसको यस। तो मैं अभी यहां जो आपसे बात कर रहा था कि सिनेप्स क्या हुआ वो डिस्कस किए, दूसरा मैंने बताया कि प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होती हैं, ये आपको बताया ना मैंने आपको, यहाँ पर एक तो कैल्शियम कैल्शियम की रिच होती है, दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है ना। ये वेसिकल्स फटेंगे तो आगे तरफ रिलीज होंगी और ये चैनल्स इनको क्या है बन जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कैल्शियम का ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बताया कि यहां जब एक्सोन का जो कैरेक्टर है कि एक्सोन पोटेंशियल पहुंचेगा सिनेप्टिक नोड तक, तो क्या होगा ये इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट मेम्ब्रेन पर पहुंच जाएगा, कौन सी प्री सिनेप्टिक, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद में जो कैल्शियम है कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम आयंस एक्सोप्लाज्म में आ जाएंगे, कहां से ईसीएफ से ओके। मैंने क्या बताया ये चैनल जो होते हैं ओपन होते हैं, ओपन कैल्शियम चैनल, जिससे ईसीएफ से कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कहां आ गए इस क्लिफ के अंदर आ गए। नेक्स्ट दूसरा मैंने बताया कि ये जो कैल्शियम आयन है ये आकर के अटैच हो जाते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस क्लिफ्ट, या आप कह सकते हैं प्रीसिपिटेटेड मेम्ब्रेन है जो भी है, तो यहां ये मेम्ब्रेन भी यहां आकर के कैल्शियम आयन अटैच होना शुरू हो जाते हैं ओके। अच्छा इसके बाद में जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी वहां पर मैंने बताया आपने क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं,
अब जैसे ही ये कैल्शियम आयंस जो हुए ये आपके प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैच हो गए, उस कंडीशन में क्या होगा, ये वेसिकल्स जो होती है ये फट जाती है, ये ठीक है ना। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में बता रहा था ये आगे की तरफ क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, एक तो कैल्शियम आयन यहां पे जुड़ने शुरू हो गए, इससे क्या हुआ, ये वेसिकल्स फटी, वैसे ब्लड चैनल्स खुले थे, ये कैल्शियम आयन चैनल्स खुले, तो इससे क्या हुआ, वेसिकल्स फटी और ये जो इनका न्यूरोट्रांसमीटर था जैसे एसिटाइलकोलाइन ये स्प्लिट के अंदर रिलीज होना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मैं अपना तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं, ये तो प्रोसेस किए और आगे की तरफ क्या हुआ, इंपल्स चला जाएगा। अब अगर जिस कंडीशन में क्या रहेगा, समझ लें, जिस कंडीशन में यहां पर कोई इंपल्स नहीं आ रहा है उस समय एक नए चैनल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोराइड, यस, जिन्हें कहते हैं क्लोराइड चैनल्स। तो ये क्लोराइड चैनल्स खुल जाएंगे और क्लोराइड चैनल्स के खुलते ही वो हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। हाइपरपोलराइजेशन में नीचे बताया गया आपको, ये हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में, और इस समय क्या होगा, कोई पल्स या इंपल्स जनरेट नहीं होगी। खैर या तो क्लियर हो गया, मैं अभी जो बात करता हूं आपसे इसे अलग रखते हुए, ये तो कॉमन सी बात है, मैंने बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके, ये दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल, और दूसरा जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होंगे वो फास्ट चलेंगे, तो ये क्या होते हैं, ये फास्ट एक्टिव होते हैं, पूछा जाता है, और ये क्या होते हैं, ये स्लो एक्टिव होते हैं। क्लियर है ना। दूसरी जरूरी बात, इसके एग्जांपल जरूरी है, आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर, आप इसको चाहे तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर या हम लोग ये बात करें थे, केमिकल स्नैप्स, नहीं सॉरी मैं यहाँ एक छोटी सी गलती हो गया था, इसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल भी, इसमें हम लोग लेट चल रहे थे जो स्नैप्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, हम लोग बात कर रहे हैं वो पहले बात कर रहे हैं ऑफ द स्नैप्स, ये स्नैप जो है ये दो तरह के बने, एक जिसको मैंने बताया कि आपको केमिकल स्नैप्स, ओके, या पहले इलेक्ट्रिकल लेते हैं बताएंगे आपको इलेक्ट्रिकल, यस, और दूसरा जो होता है दैट इज द केमिकल स्नैप्स, है ना, केमिकल, जहां पर केमिकल के थ्रू में प्रोसेस चल रहा है, अल्टीमेटली वही चीज, ये क्या होते हैं, ये फास्ट एक्टिंग होते हैं, राइट, जरूरी बात फास्ट एक्टिंग है, दीज आर फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, क्योंकि आपके पास में सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें फास्ट एक्शन चाहिए, हाँ नाम का जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स, क्लियर है। दूसरा यहां हम लोग बात कर रहे थे ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्लो होते हैं, अब स्लो है तो दीज आर फाउंड इन केस ऑफ द एम्बलम, होता क्या है कि इनमें ट्रांसमिशन जो होगा वो हल्का होगा। मेरा मतलब ये था, एक चीज और भी कह सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है इस लिंक को पास करने में लग रहा है, ऐसी तो है ना, सो ये सिनेप्टिक लिंक जो है इसको पास करने में टाइम लग रहा है, तो ये फास्ट एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर नैरो क्लेफ्ट होता है, पूछा जाता है नैरो क्लेफ्ट, वो क्लेफ्ट होता है सिनेप्टिक लिंक। दूसरा केमिकल्स जो होते हैं ये स्लो एक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर कंपैरेटिवली वाइड क्लेफ्ट होता है, क्लियर है ना, यस। अब ये जो केमिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे ये दो तरह के होते हैं ऐसा मान के चले, तो मैंने बताया केमिकल्स जो होते हैं यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये अब दो तरह के होते हैं, कैसे, एक होते हैं एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनहिबिटरी, ले
एक्साइटेटरी जो होते हैं वो बताया कि दीज वर कॉमनली अवेलेबल प्रत्यारय एक्साइटमेंट में आप याद रखेंगे इसको एक एसिटाइल कोलाइन छोटी क्लास से प्रत्यारय होता है 10 क्लास से। दूसरा मैं बात कर रहा यहां पर एड्रेनालिन, दूसरा नॉर या इसको नॉर भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन olfactory
इज ऑल्फैक्टरी, यस ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, यस ट्रोपेलियर, ट्राइजेमिनल, ओके एब्ड्यूसेंस, फेशियल, फेशियल, देन इट इज ऑडिटरी, ग्लोसोफैरिंजियल, ग्लोसो ग्लोसा माने जीभ, ध्यान रखना ग्लोसो फैरिंजियल, फैरिंजियल, देन इट इज वेगस, बहुत ज्यादा पूछा थी 10 नंबर की जो होती है वेगस होती है, ओके सबसे लंबी क्रेनियल ऑप्शन, और इसके अलावा ये है स्पाइनल एक्सेसरी, स्पाइनल जैसे सुप्राग्लोसल भी बोलते हैं एक्सेसरी, और ये जो है ये एक्सपेरिमेंट वाला है क्या सुप्रा ग्लोसल, सुप्रा ये क्या वाला है इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको डाल देते हैं ना सुप्रा ग्लोसल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपो ग्लोसल, हाइपो ग्लोसल। तो इस तरह से कितने होंगे 12 होंगे, मैंने बताया ओटा फैगोशन फार्मूला क्या होता है, इट इज ओ ओ ओ टी टी ए एफ ए जी वी एस एच ओटा फैगोशन, हां फिर एलबीसी लो प्रेशर सिलेंडर जो भी नाम थे ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर ट्रोपेलियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, यस देयर आर द फेशियल ऑडिटरी एंड ग्लोसोफैरिंजियल, इट इज वेगस 10 नंबर पर आ जाएगी, उसके आगे लेकर चलेंगे इट इज स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोस। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स होती हैं, इनको लेकर चलें, और बाकी क्रैनियल का एक फार्मूला रखता है जैसे 128 हम लोग याद रखते थे सेंसरी के लिए, पूछा जाता है कौन सी सिग्नेचर सेंसरी होगी कौन सी सिग्नेचर, तीन तरह के नेचर पढ़ते हैं आप लोग, या तो सेंसरी बेसिकली होती दो तरह की है सेंसरी और मोटर, सेंसरी जो मैसेज को लेकर के आए, मोटर जो यहाँ से एक तरह से मतलब ये क्या है ये अफरेंट हो गई, और ये मोटर जो होगी वो इफरेंट हो गई, यानी इफरेंट मतलब अपने सीएनएस से मैसेज को वापस लेकर के जा रही है मतलब रिस्पॉन्स को, ये मैसेज लेकर के आएगी सेंसरी सीएनएस के पास में मान लो, और यहाँ से मैसेज का कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी ला रही हो तो अफरेंट होगी, और जब ये ले जा रही है वापस तो जैसे कि इफरेंट हो गई, कहाँ ले जाएंगी लाएंगी सेंस ऑर्गन से, और सेंस ऑर्गन की मसल्स पे जाकर के एक्शन करेंगे, क्लियर है ना, तो सेंसरी होगी या मोटर होगी या इसी कैटेगरी होती है मिक्स हो जाती है, मिक्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उसके अगर दो हैं एक सेंसरी नेचर मोटर नेचर दोनों मिलकर के एक बना, ओके तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मिक्स नेचर कहते हैं, ओके या एक सेंसरी हो सकती है दो मोटर हो या इसी तरह से कुछ भी हो, मतलब दोनों फंक्शन अगर कर रही हो बिल्कुल आपके केबल के वायर की तरह से है, इसके अंदर अंदर कितने तार पड़े हैं हमें ज्यादा नहीं मालूम, हो सकता है दो तरह के वायर हो सारे तार एक तरह के, क्लियर। मैं कह रहा हूं मतलब एक सिंपल फार्मूला भी याद है इट इज 128 128 तो 128 जो है सेंसरी नेचर की होगी, ये कैसा होगा सेंसरी, अगर मैं नहीं बोलूं तो ये भी कैसा होगा सेंसरी, और 28 का अगर ये 10 है ये 10 है तो 8 ये भी कैसा होगा सेंसरी नेचर, तो एक आसान तरीका है जिसमें आप कंफ्यूज नहीं करते, ऐसे 5-7-9-11 करके है तो वो जो है आपका किस में जाएगा नहीं 5-7-9-10 वो जो है आपका मोटर के लिए हो जाएगा, ऐसे बाकी बची हुई मिक्स बच जाएगी, क्लियर एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताऊंगा। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, हालांकि मौसम खराब था सिग्नल्स वगैरह भी आपके डिस्टर्ब रहे होंगे बीच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसंट्रेशन अगर टॉपिक रहता है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली ओवर द ब्रेन, हम लोग ब्रेन को लेकर के कल शुरुआत करते हैं ब्रेन की मैनेजीजे से जो स्ट्रक्चर से, अभी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हाँ आप लोग जो है एक काम और कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने किया भी है क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा बहुत डिले हो जाता है मेरे पास, जब भी टाइम होगा मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ और मैं उनके रिस्पॉन्स देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ जो पेपर रखा हुआ है इसको मेरा नंबर लिखा हुआ है आप वहाँ से ले सकते हैं, एक ही नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर है वही कॉलिंग नंबर है, कॉलिंग मत कीजिएगा लेकिन हाँ व्हाट्सअप के थ्रू आप मैसेज छोड़ दीजिएगा आई विल गिव रिस्पॉन्स टू, ओके जो भी इसका सॉल्यूशन है जो भी यहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वो मैं उसको देने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत डिले होगा लेकिन आंसर जाएगा, ओके सो आई होप दैट यू एंजॉय द लेक्चर।